देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जोर दिया है मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू होने का ये तीसरा सालगिरह हो रहा है। हाँ, मेरे पास तीसरा सालगिरह हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ। आज उसका दूसरा दिवस है। ये एक बहुत बढ़िया ज्ञान कुंभ, शिक्षा कुंभ लगी है। देश की विभिन्न प्रांतों से अच्छे अच्छे जो प्रयोग हुआ है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके एडवांस रिसर्च तक, डीप टेक रिसर्च तक, स्टार्टअप की दुनिया की आधुनिक उपलब्धि तक, ये सब इस एग्जीबिशन में रखा गया है। उसकी पैरेलल कई सारे 16 डिफरेंट विषयों पे विमर्श भी हो रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, फ्यूचर ऑफ द स्किल्स के बारे में, ये सारे देश की इंटेलेक्चुअल, देश की एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। भारत की जो नई बनी हुई भारत मंडपम, उसी के अंदर हो रहा है। भारत को 21वीं सदी के लिए प्रस्तुत होना है। भारत की जिम्मेवारी लेते हुए दुनिया की जिम्मेवारी को संभालने के लिए हमारी दायित्व है। देखिए, आप देख रहे हैं, दो दिन से बहुत सारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत ही उत्साह है, विभिन्न स्टॉल्स में जा रहे हैं, लोगों की जिज्ञासा उसमें समाधान हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं। राज्यों के लोग आए हैं, वो भी आपस में मिल रहे हैं। सरकारी अधिकारी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, विद्यार्थी हैं। यह महाकुंभ बहुत लाभ देगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जोर दिया है मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए। प्रधानमंत्री उसी को ही सामने लाए थे। पहले से ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब तक हम मूल भाषा में, भारतीय भाषा में छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, तब उनकी चिंतन, तर्क और अनुसंधान की मनोवृत्ति नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए इन सभी को उसी दिशा में ले जाने के लिए शिक्षा नीति की मंशा है।